अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में मेड इन पाकिस्तान और बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज और पाकिस्तान की सॉफ्ट इकॉनमी को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना है। इस सिलसिले में हम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट स्टार से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड से आप हमें बातें रहती हैं और उनकी सक्सेस स्टोरी, उनकी अपने अदारों की कारकर्दगी से आपको हम बतला रखते हैं। इसी सिलसिले में आज मेरे साथ हमेशा की तरह हस्ब रवायत एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी मौजूद है। अपनी इंडस्ट्री के लिए उनकी बहुत सारे खिदमात है और उनकी जो पोजिशन और शख्सियत है बहुत ही डायनामिक है। मैंने बहुत जगहों पर उनके बहुत सारे काम करते उनको देखा है। सबसे अच्छी बात है, बहुत एक अच्छे मिलनसार हैं वो, मेरे दो बड़े भाइयों की तरह हैं, मैं उनके बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब वन एंड ओनली मिस्टर इरफान खोकर साहब की, जो कि एलपीजी एसोसिएशन के फाउंडर चेयरमैन हैं और एलपीजी इंडस्ट्री के लिए उनकी बेइंतहा खिदमत है। आज जो एलपीजी घर में और पाकिस्तान में, स्पेशल पंजाब में, जहाँ जहाँ सस्ती मिल रही है, इसके पीछे सबसे ज़्यादा क्रेडिट उनका और उनकी एसोसिएशन का है। आज का इंटरव्यू बहुत तलख भी होगा और बड़ा इंफॉर्मेटिव भी होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा, इस हिसाब से कि आज कुछ हकायक हम एलपीजी इंडस्ट्री से मुतल्लिक आपको बताना चाहेंगे, जो कि मैं समझता हूँ बुनियादी आप लोगों का हक है, लोगों का कि वो असल प्रॉब्लम्स उनको पता हो कि एलपीजी की इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स क्या है और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बतौर चेयरमैन इरफान खोकर साहब ने अब तक क्या क्या उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया है। ख्वाबों से तबीर तक के सफर में हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है इरफान खोकर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीर तक के सफर में खुश आमदीद। जैसा कि मैंने अपने व्यूअर्स को पहले बताया कि आज का जो इंटरव्यू है बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है एलपीजी जिसके आप फाउंडर चेयरमैन है, जिस तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता कि इस इंडस्ट्री के असल में इश्यूज क्या है और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और आपने बताओ चेयरमैन, नो डाउट आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, आपने बहुत दिन रात एक लगा के मेहनत करके इस अदारे को अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश की है और कर भी लिया है। तो मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले ये जर्नी स्टार्ट कैसे होती है, कहाँ से होती है? लेकिन मैं यहाँ पे लोगों को भी अंदाजा नहीं है कि इसकी बात की जिसकी आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और इंशाल्लाह खुश होगी कि लोगों तक जा सके, हकायक जा सके। तो ये सफर बस इस तरह के जब हम मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट जब आई 99 में, तो उसके बाद एसोसिएशन डेवलप करने का ऐसे ख्याल आया कि बिजनेस से रिलेटेड था, तो 99 में उसकी बुनियाद रखी और शुक्र अल्लाह का और भी बुनियाद रखी। अब कोई साथी मेरे उसमें नहीं है, मैं उनको बड़ा खराज तकलीफ पेश करता हूँ। मेरे बड़े करीबी दोस्त जनर से बात कर मेरा नाम अर्शद नवीन का इंतकाल हो गया, उनकी अतीक खान मेरे दोस्त हैं, उनकी बड़ी स्ट्रगल है और मियाँ डॉक्टर सभी भी उसे साथ में 99 से स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह पहले 5 साल पहले से काम कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट की बुनियाद रखी, फिर पाकिस्तान की सोच की बुनियाद रखी। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे पाकिस्तान में लाखों की तादाद में आप उस पर 7.5 लाख के करीब लोग इस कारोबार से उबसते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारे। और ये ऐसा बिजनेस है कि आप देखेंगे 20-21 साल में आप अंदाजा नहीं आपको कि ये कितना
इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी है। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, जब मैंने एसोसिएशन बनाई, तो एलपी मार्केटिंग को अपनी दिखाई से साथ थी और पूरे पाकिस्तान में दोस्त ढाई हजार डिस्ट्रीब्यूटर था। आज एलपी मार्केटिंग कंपनी की तादाद जो है वो 214 इस वक्त हो चुकी है, 100 कंपनीज और आ गई। उस वक्त मरे की बात, जब मैं 4-5 साल काम किया, 2006 में जब मैं बहावलपुर से इलेक्ट हुआ, तो उसके बाद सबसे पहले मैंने एयरमैन सिलेंडर पर काम शुरू किया। तो उस वक्त मैन्युफैक्चर ऑफ सिलेंडर बनाने वाले पटरी पर लसन जी नहीं था। हम पहले जब हम चले मिनट साहब थे, मोगरा थे, तो हमने स्ट्रगल से जब उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, पाकिस्तान में कोई बंदे के पास भी लसन नहीं था। पोखरा में पहली दफा 2006 में लोगों को लसन देने शुरू की, तो आज 24 स्टेट की। और इसी तरह उसके दो एक प्रोड्यूसर थे, अब उनकी तादाद भी 11 से ऊपर है। इम्पोर्ट कोई ओपनिंग नहीं करते, अब लादाद 11-12 बड़े प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते, इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। इसी तरह मैनुफैक्चर बोजर्स जो है, तो वो भी कोई लसंस नहीं था। आज उनकी तादाद भी जिस तरह मैनुफैक्चरिंग की तादाद 26-27 इनकी तादाद भी 26-27 है। बाकी ये प्रदर्शनी माशाल्लाह बहुत बड़ी होगी। पाकिस्तान में कुदरती गैस का खात्मा होने जा रहा है, 90 लाख खत्म होगी। अब इसके बाद तो गवर्नमेंट के पास भी और इसके बाद अब यही फ्यूल होगा, एलपीजी होगी। और आप हम सब किसी घर में आज अपने सर्दी में देखिए कि घर में गैस ले लिया। मैं बहुत साल पहले कहता था कि सीए की कीमत में हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रीन फ्यूल के नाम से जो कुछ कर रहे हैं, मुल्क के साथ बहुत बड़ी चैलेंज है। और आज हम देखें कि इस सर्दी में गैस नहीं, अल्लाह तला की सर्दी में गैस नहीं। और इस साल जो एलपीजी की सेल होगी वो एक रिकॉर्ड सेल होगी, जो एक रिकॉर्ड के मुताबिक वो तो 19-20 लाख मेट्रिक टन की, लेकिन मेरे अपने हिसाब से जो रिकॉर्ड सेल है वो लोगों ने शो नहीं की, तो उसकी तादाद जो है वो ऑलमोस्ट 22 लाख मेट्रिक टन डिमांड में साफ हो गया। बहुत ये रिकॉर्ड सेल है। और मैं यहाँ तक कहता था कि नए पाकिस्तान में अगर कुछ सस्ती मिल तो वही मिली है। लेकिन सर ये इतना तमाम पुत्र अदारा है आपका, या ये इंडस्ट्री किसको कह सकते हैं, लेकिन इससे इंडस्ट्री वालों की तरफ से भी और इससे इंडस्ट्री के साथ भी बहुत सारी ज्यादतियाँ दोनों तरफ से हो रही हैं या हुई भी हैं। लाइक डिफरेंट उसके सिनेरियोज हैं, यानी कि कोई सेफ्टी मेजरमेंट के हिसाब से भी देखिए, जिस समय अभी पूछता भी कहूँगा भी इंटरव्यू का पार्ट भी हो, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ रही है, इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? बहुत ब्राइट फ्यूचर है इसका। देखिए यहाँ पे सेफ्टी में काम जरूरी है बहुत। आपने जिस तरह किया कि सेफ्टी पे काम हम कर भी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट से भी उम्मीद है कि हमारा साथ देगी। ये इंडस्ट्री का अलग अलग वक्त में बहुत ब्राइट फ्यूचर है। देखिए मुल्क भर में जगह जगह एलपीजी की दुकानों में उसकी शक्ल में मौत बढ़ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत एक एक फिक्र है, लंबा फिक्र है, लंबा फिक्र है, शायद लंबा फिक्र है। जैसे इंडस्ट्री है और इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, बिल्कुल 7.5 लाख के करीब शॉप हमने एक एस्टिमेट है हमारा, अभी तो हमने बस स्टार्ट हो रहे हैं, बाकी चीजें भी होंगी। बड़ी खौफनाक पोजीशन है, लेकिन हम गवर्नमेंट के साथ सेफ्टी के ऊपर काम कर रहे हैं। हां, मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है, गुजारिश है कि आए इस को मैकेनिज्म बनाए, इन्हीं जो शॉप्स हमारे शॉपकीपर्स हैं इनको बकायदा लसन दे। हम टैक्स लेने के लिए तैयार हैं, जहाँ से कीमती कोई चीज नहीं है, जहाँ से कीमती कोई इस पर कोई कंप्रोमाइज हमारी सोसाइटी नहीं करती। आप आए, गवर्नमेंट की कोई ऐसा अदारा चले और वो इसके ऊपर अपनी सेफ्टी का जो मैयर बनाए, जो भी मैकेनिज्म बनाया हम उसके साथ है। लेकिन सबसे पहले ये करें कि तमाम जो शॉपकीपर हैं, दुकानदार गरीब लोग हमारे, उनको बकायदा लसन दे गए, ताकि पुलिस की बता की थी, पुलिस भी बहुत बता रहती है। आप हैरान होंगे कि ऐसे शहरों में इतनी पुलिस की बतागिरी से फैसलाबाद है। पहले लाहौर में थी, मैं लाहौर के वाले से डॉक्टर हैदर शमी जी का मैं बेहद मशहूर हूँ। 2016 में मैंने उनसे बातचीत की, हमने एक धरना दिया, उन्होंने उन्होंने बकायदा डीएजी के ऑर्डर ही निकाला कि इसमें पुलिस बरह रास्त इस कारोबार में मुदाखलत नहीं कर सकती। उनके डीएसपी लीगली लिख के दिया और हमने कैसे भी डीएसपी का उसका इंपैक्ट हुआ, बिल्कुल इंपैक्ट, बहुत इंपैक्ट हुआ। कि उसके बाद बहावलपुर में लोगों ने बड़ी जल्द वहां पे पुलिस की मदद करना तो भी मुल्तान में काफी हद तक। अब एक फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जहां पे पुलिस बेलगाम पता भी दे रही और वो आज पर्चे भी दे रही। अभी बात यह कि अभी मेरी बड़ी खूबसूरत में ऐसे साहब डीए के पेशेंट है, बड़ी बड़ी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पोस्ट तैयार की कि उन्होंने जब ये पीछे कुमार राजर वाले पुलिस स्टेशन में बहुत ज्यादा जाती थी, बड़ी पता नहीं थी, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत
अगर वो इंसाफ गया जो हमारा प्लान एक सिलेंडर
सबसे पहले उसमें गैस फ्री मिलेगी, उसके बाद गैस खास सबसे पहले पहाड़ी के अंदर पहाड़ी इलाकों से शुरू किया जाएगा और बलोचिस्तान के पसमांदा दूर दराज के इलाके वहां से सबसे पहले बलोचिस्तान पहाड़ी इलाके और उसके बाद देहातों में एक सिलेंडर हर गरीब आदमी को फ्री मिलेगी। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है। लेकिन टैक्स में खात्मा करने से आज देखेंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा अभी आप जाए ओगरा की कीमत आज अप्रैल में 140 रुपए के जी है। आप पाकिस्तान में किसी जगह जाए आपको 30-40 रुपए का गैस सस्ती मिलेगी। अगर ना मिले मैं जिम्मेदार मैं इसमें नदीम बाबर साहब को, उमर यूब साहब को और शक्ति अशोक साहब को मैं बेहद क्रेडिट मेरा सलाम करता हूँ पेश करता हूँ उनको कि उन्होंने इंडस्ट्री की अपने और नदीम बाबर साहब ने एक बात में कहना बिल्कुल उनको करा दूंगा इस वक्त माफी की कमर टूट चुकी है। पहली दफा पाकिस्तान में प्रोड्यूसर के प्रीमियम बोनस या कोटा की बोली होती थी। आप अंदाजा करें कि पिछले महीने 96,000 रुपए टन कीमत मुकर्रर की ओगरा ने, पैदावार कीमत 96,000 रुपए टन, तो प्रोड्यूसर ने 71,000 रुपए टन कीमत पहले यानी 26,000 रुपए प्री मेट्रिक 26 रुपए प्री किलो कीमत कम कर दी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैं फिर कहता हूँ कि इसकी कीमत अभी भी ज्यादा है क्यों? ये बाई प्रोडक्ट है, ये क्रूड की बाई प्रोडक्ट की कोई कीमत नहीं है। और अभी मैं देख रहा हूँ इस तरह हुकूमत से मामला चल रहे बातचीत चल रही नदीम बाबर साहब चेंज हो गए, अल्लाह करे मौका मिले दोबारा वो चार करें आगे चले तो मैं मेरी तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद तो आए और इसमें सेल टैक्स का खात्मा करते हैं, इसके ऊपर लेवी टैक्स का खात्मा करते हैं, इसके मजीद जो एडवांस टैक्स है फाइबर उसका खात्मा करते हैं तो आप देखेंगे हम आज कीमत 100 रुपए किलो पर आ गई है लाहौर में और बाकी शहरों में थोड़ी ज्यादा है। मैं इसी महीने देख रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल से ये 60-65% आपको गैस सस्ती मिलेगी। ये 100-110 रुपए किलो पे कीमत इस महीने अप्रैल 2021 में आ जाएगी। और जब टैक्सेस को हम डिस्कस करेंगे टैक्सेस का खात्मा करेंगे ये एलपीजी में देख रहा हूँ कि ये 90 रुपए 85 रुपए 90 रुपए पर के जी पे 70% पेट्रोल डीजल से सस्ती सस्ती होगी। इरफान साहब अभी आपने कहा है इंसाफ एलपीजी कार्ड क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग मैं समझता हूँ कि एक स्कीम होगी गवर्नमेंट की जो कि आप लेकर आ रहे हैं, इसकी एग्जीक्यूशन कैसी होगी और ये कब तक एक्सपेक्टेड है और ये आम वाकई वो एक आम पाकिस्तानी और एक आम वही मजदूर के लिए होगी ये स्कीम के यहाँ भी वही जो बड़े लोग ऊपर बैठे हैं उससे फायदा ले जाए। मेरी ख्वाहिश है कि हम जो पिछले साल की कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी इस साल मार्च में नहीं हो सकी और मेरी ख्वाहिश है कि साल जो एलपीजी इंटरनेशनल वाली कॉन्फ्रेंस होती है इसके ऊपर जो है ना प्रिंस साहब इसकी ओपनिंग करें और ये इंसाफ गैस कार्ड में फिर बता रहे हैं नदीम बाबर साहब सेक्रेटरी उमर यूब साहब का बहुत इनिशिएटिव है और बहुत और मेरी ख्वाहिश है पांचवी कॉन्फ्रेंस में इसकी गैस कार्ड जो है आवाम के लिए इसकी लॉन्चिंग की जाए और मैं इंशाल्लाह इस पर काम भी कर रहा हूँ मिनिस्ट्री पेट्रोलियम और बाकी तमाम अदारे इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान की तरीक रकम हो जाएगी और हम मेरी सबसे पहले जो लिखा हुआ मैंने लिखा कि अगर इसकी लॉन्चिंग करनी है इसमें ये एक शब्द जरूर डालेंगे कि बंद ना हो, ये गरीब का फ्यूल है, गरीब को मिलना चाहिए, बाई प्रोडक्ट है, मुल्क की भी और से बाहर चल रही लोगों को मुस्तफीद होना चाहिए, ये लूट मार का बाजार बंद होना चाहिए। इरफान साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है आपकी। अच्छा हम अपने सराउंडिंग में देखें सारे कंट्री के डिफरेंट जो कंट्रीज हैं हमारी बांग्लादेश भूटान इंडिया वगैरह वहाँ के जो एलपीजी की डिमांड और वहाँ पर जो रस्म उसकी है उसके मुताबिक पाकिस्तान उससे बड़ी बिग मार्केट है। ठीक है आप क्या समझते हैं कि अब भी इसमें इतने की स्पेस है कि इसको और बूस्ट देना चाहिए और आसानियाँ मिलनी चाहिए और इसकी अभी सेल कितनी है एक्चुअल? देखिए पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इंडिया से बहुत छोटी है, बाकी कंट्री से शायद बड़ी है थोड़ी बहुत। बात ये है कि इंडिया में एलपीजी 60% सब्सिडाइज की जाती है जो इंटरनेशनल कीमत से गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है और यहाँ देखिए उल्टी गंगा बहती है, हमें टैक्स देते हैं, हम अरबों रुपया टैक्स इकट्ठा करें अरबों रुपया। अगर आप देखेंगे अगर फर्स्ट करें 20 लाख मेट्रिक टन की सेल तो 22 लाख टन पे तो आप अंदाजा करें कि वो कितना टैक्स बनेगा। ये सीन अंदाजा करें बाकी लेकिन इंडिया देखिए उसमें सबसे ज्यादा बाकी करने में करते हैं ये गरीब का सबसे बड़ा।
सीपैक के हवाले से और एलपीजी के हवाले से उस पूरे ये रीजन में ये आप समझते हैं कि इससे थोड़ा सा और गेम चेंजिंग होगी? सीपैक शुरू होगा, मैं आपको बता दूं कि राहदारी की तरह से एलपीजी का जो फोरकास्ट कर रहे हैं जो मैं साफी डायरेक्ट डिमांड बढ़ेगी वो इसकी आप अंदाजा करें कि मैं समझता हूं पाकिस्तान को राहदारी की मद में मिनिमम पाकिस्तान में 25 अरब रुपए का फायदा होगा उसमें क्योंकि ईरान में भी जाएगी इंडिया में भी जाएगी आप एक चीज और आप देखो इंडियन में कैनो सब्सिडाइज करते हैं आप जो इंटरनेशनल लेवल से बाई सी प्रोडक्ट जा रही है वो सर पहले बॉम्बे जाती है बॉम्बे से पहले वापस आती है अमृतसर पहुंचती है उसको कई दिन लगते हैं उसमें कितना खर्चा आता है लेकिन जब सी पे खुलेगा तो उसके साथ अल्लाह करे हमारे दोनों कंट्रीज के हालात बहुत अच्छे हों तो इंडिया को गया थी इंडिया मेरी इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर से सत्तर से बातचीत हुई मैं इंडिया भी गया और यहाँ भी मैं हम उनके जो एलपीजी में बजट का खजा रहे हम उसके कम से कम 25% उनका बहुत कम कर सकते पाकिस्तान अपनी दोस्ती का नाते एलपीजी इंडस्ट्री चूंकि हम यहाँ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं हाँ उनको ये अमृतसर उनको मिलती है अंदाजन 15 दिन के बाद एलपीजी मिलती है हम उनको एक दिन में देंगे एक दिन में हम उनको हैदराबाद से श्यारकोट से और यहाँ तक तीन जगह से एक दिन से एलपीजी दे सकते हैं वो उनका बजट में 25% एलपीजी का बजट कर यानी कि हमारी इतनी प्रोडक्शन है हमारी प्रोडक्शन भी बाहर से भी आएगी लेकिन एक एलपीजी फर्ज करें हम इंपोर्ट करते हैं फर्ज करें कि मिडिल ईस्ट से कहीं से भी जा रही है तो बॉम्बे उनकी बॉम्बे से वापस जो आती है कई दिन लगते हैं अमृतसर पंजाब इंडिया में आने के लिए तो ये बड़ी बहुत बड़ी मार्केट बनने वाली है इन फ्यूचर अल्लाह करे पाकिस्तान जैसे हालात अच्छे हो बेहतर मौका मिले लोगों को बिजनेस का इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक अगर प्लेटफॉर्म पे बैठे या जब बैठे हम अपने मुल्क की गुर्बत इतनी कम कर सकते हैं आपको अंदाजा नहीं मैं लॉट ऑफ टाइम इंडिया गया हूँ मैंने देखा है हमारा कल्चर एक है हम लोग एक बस इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अरफान कोकर साहब इस वक्त हम लेंगे एक स्मार्ट सा ब्रेक मिलते हैं आपको शॉर्ट ब्रेक हम किसी को ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वो सुन जा सके आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं उनके साथ अरफान साहब बड़े अफसोस के साथ एक बात कहना पड़ेगी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है वो ये बात कमाओ कुदरत आ रहा है आप गवर्नमेंट को कमा के दे रहे हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत सारे खिदमात भी सर अंजाम देने की कोशिश भी की जा रही है लेकिन इसके बाद तो बहुत बड़े एक्सीडेंट यानी कि नागहानी मुआत हुई है बच्चों की हुई है इस वाक्य के ऊपर आप क्या कहेंगे नमकाना साहब वाला और शदारे वाला आप लोगों उसके बाद क्या मेजरमेंट्स लिए हैं क्या यानी कि सेफ्टी के लिए क्या किया अब भी सब कुछ वैसे का वैसे ही है बड़ा अफसोसनाक वाक्य था नमकाना साहब वाला अभी बच्चे स्कूल जा रहे थे और इंसिडेंट हुआ एक कार आगे बोतल से टकराई उसका बोर्ड इनफॉर्मेट जो है टूट गया उससे गैस लीक हुई ड्राइवर ने बड़ी कोशिश की लेकिन उसके बाद भी बच्चे और बूढ़े उसमें लपेट में बहुत सी मुसीबत आने गई बिल्कुल शिदरे वाला वाकई भी बड़ा सोचना होता वो भी वॉल की लीक में से पूरा एरिया और शुक्र अल्लाह का है कि कुछ लॉकडाउन था पिछले साल लॉकडाउन ना होता तो जो शिदरा में रश की प्रदूषण होती तो मैं समझता हूँ सैकड़ों जाने जा सकते लेकिन जो ही मेरे शहर से किलो में आता है कि वो गैर मेरी सेलर बन रहा है गैर मेरी गोजर बन रहा है तो मैं फौरी फौरी तौर पे अथॉरिटीज को अगर को मिनिस्ट्री पेट्रोलिंग को बात कर अदारों को मैं फौरी तौर पे ये इन्फॉर्म करता हूँ लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ इंशा अल्लाह आपके प्रोफेसर से तमाम सुने कि जहाँ भी गैर मेरी सिलेंडर गोजर वाल या गोजर बन रहे हैं या उनके नाम से भी गोजर बना रहे हैं तो इंशा अल्लाह वो कैफे करना था मुझे जान से कीमती कोई चीज़ इसी की मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं किसी किस्म का मन रहा इंशाल्लाह आपके फसल की वजह है मसूम जान जाने जाती है बहुत तकलीफ और दिन गुजरता है सिदरे वाला वहाँ पर जब रेस्क्यू कर रहे थे या गंगाना सा वाला वाक्य था हमने इसको गवर्नमेंट वो कर जो भी इसमें आपका शुभ मिला है और बिल्कुल आपकी खबर ठीक है कि लोग इसके ऊपर अपने लसंस को भी यूज़ कर रहे हैं लसंस को भी यूज करना दे रहे हैं
हम किसी को मिस ऐसा काम नहीं करने देंगे जिससे वो समझा जा सके। नहीं तो आपने क्या किया उसके लिए, रोकथाम की क्या की? मेरा तो क्या मेरा स्टोर चेयर में या मेरा मेरा मेरी कोशिश थी कि मैं फौरी तौर पर अपने थर्ड प्रोग्राम को मिनिस्ट्री को प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पर इन्फॉर्म करूँ। बिल्कुल आपने मेरी जिससे निशानदेही की, इंशाल्लाह आप देखेंगे फौरी तौर पर मैं लिखूंगा इस बारे में, सिलेक्शन भी होगा और गैर मेरी गोदर बिल्कुल नहीं खेलेंगे। गैर मेरी गोदर सेंडर और यहाँ पे उसकी मेरी पहले से कंप्लेन की कोशिश है, मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह मैं आपको भी काफी मिलूंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिनिस्टर चेंज के थ्रू ओग्रा साहब ओग्रा से इंशाल्लाह दिन मुलाकात करें। गैर मेरी गोदर जो है उसकी बनने पर पाबंदी भी लगेगी और चले भी इंशाल्लाह। कितने कारखाने हैं वो ये एसएसडीज वगैरह बना रहे हैं? देखिए पहले से कोई भी नजर आप मैंने मैंने उसके ना अभी बाकी जितने की फिर भी गवर्नमेंट से स्वागत करते हैं। हमारा दारा तो आप लोगों के साथ है, मिचे सपोर्ट भी करते हैं पाकिस्तान के सॉफ्ट इंग्लिश के लिए हम तो काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारी जरूरत होगी हम हाजिर खिदमत है। अरफान साहब आखिर में हमारे चैनल के तवसत से आप इस पूरी कंक्लूजन करके इस गुफ्तगू का बताइएगा, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर देखते हुए कि आप क्या समझते हैं कि आने वाले 5-10 सालों में एलपीजी इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं? इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है लेकिन नॉन प्रोफेशनल लोग आ गए इसमें, इन्वेस्टर्स जिस आते हैं बिजनेस में वो ऐसे लोग आए जिन्होंने नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स उन्होंने आगे कोशिश की फिर एक दफा पैसा बनाने की कोशिश की। लेकिन जो जेन्युइन लोग बिजनेस करने वाले वो यही पे हैं। हम लोग बड़े क्योंकि हम मायूस हो जाते हैं लेकिन मैं फिर कहूँगा अपने तमाम साथियों को कि आने वाला वक्त बहुत फ्यूचर ब्राइट है। हम सेफ्टी पे कंप्रोमाइज नहीं करें और बेहतर करें और गैस की क्वालिटी जो कि बहुत दरीना मेरा मुतालबा भी था, ख्वाहिश भी थी। और नाज़रीन
इसके साथ आप शाहिद मियां को प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के सफर में इजाजत दीजिए। अगली दफा हम एक नई पर्सनैलिटी के साथ मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ।